यो भर्ती 2019 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी की बात करें तो डीआरडीओ बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि आखिर किस डेट तक आपके एग्जाम होने वाली है। इसके साथ ही हमने आरटीआई के थ्रू पता किया कि आपके एग्जाम कब तक होने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ जो आपके डीआरडीओ में 2019-20 में जो भर्ती 1817 पदों पर निकाली गई थी उसके फॉर्म भरवाए लगभग 2 से 2.5 साल हो गए लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुए, जिसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी काफी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप बात करने वाले हैं कि आखिर कब तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, दोस्तों आप जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहां पर सीधे नीचे करते जाना है और यहाँ पर आपको कैरियर्स मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आगे आपको अदर रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमने नोटिस डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2019-20, यानी इनका कहना है यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि माई प्लीज नोट दैट टायर पर CBT एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्ट एज पर प्लान ड्यू टू अंडरब्रेक COVID-19। यानी दोस्तों इनका कहना है कि जो आपके एग्जाम है उसकी हमने तारीख तय की थी लेकिन COVID-19 की वजह से हमने आपका एग्जाम है वो रद्द कर दिया। यहाँ पर इन्होंने आगे कह गया है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द CEPTM नोटिस बोर्ड एट DRDO वेबसाइट। इनका कहना है कि हमने जो COVID-19 की वजह से आपके एग्जाम रद्द कर दिए है अब आपको एक नई तारीख दी जाएगी जिस पर आपका एग्जाम होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ हमने RT के थ्रू क्या पता किया है। अगर आपको स्क्रीन पर एकदम साफ दिख पा रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है। हमने RT के थ्रू पता किया है तो इन्होंने साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर आपके बताई गई है कि आपके फॉर्म कब तक भरे गए थे। यहाँ पर सभी DRDO के द्वारा ये आपको हमें वापस रिप्लाई मिला है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है आपको देख पा रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी इनका कहना है कि जो आपको एग्जाम है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नीचे भी इन्होंने बताया। यानी दोस्तों मैं आपको स्पष्ट सीधे स्वरूप में बता देता हूँ, हमने इस पर RT लगाया था जिसका जवाब 1 महीने के बाद निकल कर आया है। इनका कहना है कि अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके एग्जाम कब तक करवाए जाएंगे क्योंकि COVID-19 की स्थिति चल रही है जिसकी वजह से हम जल्द ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम अब आप मान कर चलिए इस ईयर्स यानी 2021 में होने की संभावना ना के बराबर बची है क्योंकि इन्होंने RTA के थ्रू बताया है कि हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं है इसका एग्ज़ाम कराने के लिए। तो आप मान कर चलिए आपके एग्ज़ाम इसी या तो COVID-19 की स्थिति काफ़ी हद तक सुधार हो चुकी है लेकिन अभी तक इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। तो आप मानकर चलिए आपके एग्ज़ाम या तो दिसंबर में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की संभावना है, या फिर आप मानकर चलिए अगर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू नहीं होते हैं तो आपके एग्ज़ाम 100% यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% अगर नवंबर दिसंबर में नहीं करवाए जा सकते हैं तो आपके एग्ज़ाम 2022 में होंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में गालियाँ दोगे, इससे अच्छा है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित जैसे कोई नया नोटिफिकेशन निकल कर आएगा हम तुरंत आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।